नूब भाई। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही शब्द की चर्चा हो रही है, हु इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा किया जो आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री और किसी भी सरकार ने नहीं किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर इंडिया के टॉप गेमर के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात की ही चर्चा चारों तरफ हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने इस युवा साथियों के साथ युवा बने और उनके साथ गेम भी खेला, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच प्रधानमंत्री मोदी कुछ जेंजी शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो अब खूब ज्यादा चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मजाकिया अंदाज में एक बार फिर से इशारों इशारों में राहुल गांधी को रोस्ट कर दिया जब नूब शब्द का इस्तेमाल किया गया। नूब 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 का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ। भाई देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन युवाओं से मिले जो मौजूदा दौर में बढ़ रही पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री और उन क्रिएटरों के बीच उम्र का अच्छा फासला है, फिर भी पीएम उन लोगों के साथ गेम खेले और बहुत जल्दी गेम को एडप्ट भी किया। इस मुलाकात के बाद तमाम गेमर ने कहा कि पीएम मोदी इज द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमो ओपी नाम भी दिया गया। अगर आपको भी ये नाम अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में नमो ओपी जरूर लिखें। टीएनएन वर्ल्ड से मैं हर्षवर्धन इस रिपोर्ट के साथ आप तमाम जनता से विदा लेता।